गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज 11 फरवरी और मैं जा रहा हूँ मौसी को लेने, जिनकी अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई थी। हम मॉर्निंग जल्दी निकल गए थे उदयपुर से, इसलिए मैं कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया मेरा, तो वही सफ़र कर रहा हूँ अभी मैं। फिलहाल अभी हम रुके हैं शाहपुरा में, नाश्ता करना है। यहाँ पे पोहे बनते हैं मस्त गर्म गर्म, वही खाएंगे। गोटू का ठंड लग रही है, ठंड लग रही है ना बहुत बहुत ज़्यादा। क्या लिखा हुआ था? इस जंगल में हम भटक गए हैं, है? इस जंगल में हम भटक गए, यहाँ पे हमें कुछ खाने को मिला है, बस एक यही चौराया था लास्ट। इसके आगे हमें जंगली जंगल खतरों से खेलना पड़ेगा, वहाँ पर जंगली जानवर मिलेंगे। आगे की कहानी आगे जाकर बताएंगे। आगे टू बी कंटिन्यूड। पोहे खाते हैं, पोहे लग गए हैं, वैसे लग रहे हैं मस्त बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गरम गरम पोहे का आनंद इस गरम गरम धूप के साथ। मौसी के यहाँ आ गए हैं इनके घर पे, और यहाँ पर मौसी हमारे लिए पकौड़े बना रहे हैं गरम गरम। पकौड़े खा के देखते हैं कैसे बनाए। इतने सारे भी निकल रहे हो? ये भी साथ में हेल्प कर रहे हैं इनकी। तो बोला नहीं तो मैं निकाल दी। ये मस्त गर्मा गर्म पकौड़े आ गए हैं, मौसी ने बनाए, खाते हैं इनको सॉस के साथ। आ जाओ अभी टेस्ट कर लो। टेस्ट करते हैं गेटा के पकोड़े, सुप्रीम के पकोड़े खाए थे मैंने। किसके? सुप्रीम के। कैसे हैं पकोड़े? अच्छे टेस्टी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत लजीज। इतने लजीज पकोड़े मैंने कभी नहीं अपने घर पे भी नहीं बनाए इतने लजीज जो यहाँ का जादू है। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे कोई काटा रानी वाले माता जी मंदिर के वहाँ पे, तो चलो चलते हैं ऊपर मंदिर पे। गाड़ी लेते हैं। दोनों रास्ते हैं, सीढ़ियों तो कम से कम 250-300 सीढ़ी है। सज्जनगढ़ में भी ऐसा ही रूट था। मंदिर आ चुके हैं, यहाँ से कुछ ऐसा नजारा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो इसको पकड़ के चलने का, चलो। इसके उधर से दो पहाड़ों के बीच में बिल्कुल एक ब्लैक कलर की पहाड़ है, वो सामने बना इस नदी। गांव का नाम है तरणिया खेड़ा, उसके उधर विपक्ष में ओडिया खेड़ा, मतलब इस बनास का ही है। अच्छा गांव यहाँ की ड्रेस के लिए मैंने भी इधर से मंदिर दिख रहा था ना, ये मंदिर दिखता है, ये मंदिर आपको वहीं से शाहपुरा रोड जा रही है वहीं से दिखने लग जाता है। नीचे स्टैंड चलते हैं घर पे, घूम लिया। 11 तो बज गई है, 11 तो बज गए हैं, निकलते हैं। और हम जा रहे हैं उसको ले गया है, उदयपुर जा रहे हैं फिलहाल। रास्ते में रुके हुए, आधे रास्ते आ गए, चित्तौड़ के आ गए। फाइनली उदयपुर में एंटर, पर ट्रैफिक बहुत जाम लग रहा है।
आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना। कैसा लग रहा है उदयपुर में आके? बहुत अच्छा, खुशी हो रही। फाइनली अपने शहर में आ गए वापिस है। इनके स्वागत के लिए लाइटर नहीं है क्या? लाइटर नहीं चला गया ऐसा तो। और ये हीरो आ गए। इनके स्वागत में ओ फुस हो गया वो तो। अब